हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। टुडे स्टडी अबाउट क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री वीडियो नंबर 13। 12 तक में वीडियो नंबर 12 देख चुके होंगे, 15D एक्सरसाइज बना चुके होंगे, डी में 1 से 17 तक बना चुके थे, 18 नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फार्मूला 15 बार लिख के ही अटेंड करना चाहिए। 18 का फर्स्ट क्या है? 2 साइन 22 एंड हाफ। इसलिए लिख सकते हम लोग 2 साइन ए कॉस ए, वेर ए का वैल्यू क्या है? 22 एंड हाफ। ये 22 एंड हाफ दोनों में है, इसको ए मान लिए, अपने मन से ए मान लिए। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? साइन 2a। अब साइन 2a का वैल्यू क्या है? 22 एंड हाफ डिग्री। इसको कैसे लिख सकते हैं? 22 45 बाय क्या होगा? 2 साइन का 45 हो गया 1/√2। समझ गया ना? जस्ट आइए सेकेंड नंबर में सब बना लिए हैं, सबको अपने से बना लिए होंगे। 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है फार्मूला? कोस 2a का फार्मूला है। कोस 2a का वैल्यू क्या है? 15 डिग्री। 15 दुना कितना हो गया? 30 डिग्री। इक्वल टू क्या हो गया? √3/2। इसमें क्या करें? पहले 2 कॉमन करके देखिए, पहले क्या दिखाई देगा? 4 कोस क्यूब, 20 डिग्री को ए बोल दिए, 20 डिग्री को ए बोल दिए। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या बोले थे हम लोग? 15 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे ए बोले हैं किसको? 20 डिग्री को। माइनस क्या होगा? 3 बचेगा कोस का ए। ये किसका फार्मूला है? कोस का 3a, 2 कोस 3a, ठीक है? 2 कोस 3a निकालना हम लोग को। कोस 3a का वैल्यू कितना है? 20 डिग्री। 2 कॉस कितना हो गया? 60 डिग्री। 2 इंटू 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, कट के 1। ये सिंपली फार्मूला 3 sin a - 4 sin cube। 3 sin a - 4 sin cube किसका फार्मूला है? sin 3a। 3 इंटू a का वैल्यू क्या है? 20। क्लियर है? सॉरी 40। तो साइन का कितना हो गया? 120। अब साइन का 120 कैसे सोचते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, प्लस होगा, 180 हटाइए 60 के बराबर है। 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। समझ रहा कि नहीं? 60 के बराबर है। तो ये था 18 नंबर। चलिए थोड़ा और कॉन्सेप्ट बताते हैं आगे क्वेश्चन बनाने के लिए। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, अभी तक में हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सब जाने, 15 डिग्री भी जान गए, 75 भी जाने। तो आज एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं साइन का 18 डिग्री का मल्टीपल। एक हम करेंगे ना, बाकी बुक से कर लीजिएगा, फार्मूला याद रहना चाहिए। 18 डिग्री क्या होता है? साइन का 18 डिग्री निकालना है। ये एक्चुअली में कोस का 72 डिग्री भी है। देखिए साइन का वैल्यू कोस 90 से हटाएंगे, साइन का 18 बोले या कोस का 72, एक ही बात है। 18 डिग्री हम निकाल दे रहे हैं बस, ठीक है? 18 के बाद 36 अपने से निकाल सकते हैं, उसके बाद 54 डिग्री और 72 डिग्री एक हम निकाल रहे हैं, बाकी बुक से नोट कर लीजिएगा, आपको हम समझा दे रहे हैं। साइन का 18 बोलिए चाहे कोस का 72, बात एक ही है। साइन का 30 कोस का 60, दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल है। 90 से माइनस करके देख लीजिए, कोस हो जाएगा। तो सबसे पहले 18 डिग्री को मानिए थीटा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी में कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? अब हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल 90 डिग्री। सो 2 थीटा इक्वल लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अंडरस्टूड? हमको साइन थीटा निकालना है, साइन का 18 डिग्री निकालना है। मेरा टारगेट क्या है कि साइन का थीटा मतलब साइन का 18 डिग्री मतलब वो कोस का 72 भी होगा। तो चलिए दो तरफ क्या लगा दिए? साइन लगा दिए। साइन का 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन का 90 डिग्री माइनस क्या होगा? 3 थीटा। साइन का 2 थीटा को लिखते हैं क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन का 90 कॉस का थीटा, तो क्या जाएगा? कॉस 3 थीटा हो जाएगा। अंडरस्टूड? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कोस का थीटा क्या होता है? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फार्मूला लगा दिए, कोस का लगा दिए, साइन का लगा दिए।
ये कोस काट दीजिए, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अंडरस्टूड क्या 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 मालूम पड़ गया? ये कोस कॉमन करके काट दी, इसमें कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा। अब हम लोग इधर लाइए, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस का स्क्वायर को लिख सकते हैं, 9th क्लास का फॉर्मूला है, 10th क्लास का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इधर लाइए, 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस हो गया, 2 साइन थीटा इधर ही है, माइनस 3 प्लस 4 उधर गया, इधर में वन है, इधर आके माइनस 1 सजा के लिख दिए। एक क्या आ गया, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या बोलेंगे, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसका है, साइन थीटा का क्वाड्रेटिक है, तो इसमें तो गुणनखंड निकलेगा नहीं। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2 ए। इस फॉर्मूला का यूज करके इसको फैक्टराइज गुणनखंड निकालेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा निकलेगा, देखिए मतलब साइन का 18 निकलने वाला है, माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है 2, मालूम है सबको, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, मालूम है ना, ए का वैल्यू क्या है 4, बी का वैल्यू क्या है 2। पढ़े हैं द्विघात समीकरण, हिंदी में इंग्लिश में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बी का वैल्यू पुट किए 2 आया प्लस माइनस, b का स्क्वायर 2, 4, a का वैल्यू क्या है 4, और c का वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 4, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर प्लस 16 बाई क्या होगा 8। अंडरस्टूड, नोट कीजिए, साइन थीटा निकल गया माइनस 2 प्लस माइनस, तो बोलिए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 16 को लिखते हैं 20 बाई 8, साइन थीटा इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5 बाई 8, साइन थीटा का लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2 प्लस कॉमन कर लिए 2 सॉरी 2 कॉमन कर लीजिए माइनस 1, प्लस वाला लेंगे माइनस वाला नहीं ले सकते हम लोग, क्यों, साइन का वैल्यू 0 से 90 में प्लस होना चाहिए, तो क्या होगा रूट 5, माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस को क्यों छोड़ना है, कि साइन का वैल्यू 0 से 90 प्लस ही होगा, तो इसको हम लोग माइनस लेंगे दोनों माइनस हो जाएगा, हम लोग सिर्फ प्लस वाला ले रहे हैं, माइनस वाला लेना है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 से काट दिए, तो 2 से काट दिए तो 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट गया, फाइनल आंसर आ गया रूट माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 4, यानी साइन का 18 डिग्री का वैल्यू रूट ओवर 5 माइनस 1 बाई 4। इसी साइन में से 90 हटाएंगे, कोस का 72 का भी वैल्यू सेम होता है, तो इस तरह से 18 डिग्री 72 डिग्री निकाल दी है, नोट कर लीजिए। तो साइन का 18 समझ में आ गया, कोस का 72 समझ में आ गया, अगर आपको अब बोल देगा ना कोस का 18 डिग्री निकाल दीजिए, साइन का 18 पता है, कोस का 18 निकाल दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए कोस का 18 निकालना है, हमको साइन का 18 पता है, तो लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू क्या था, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10th क्लास यूज कर रहे हैं, कोस थीटा रूट ओवर 1 क्या हम लोग के पास 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर, क्लियर है, ये कोस का 18 निकाल रहे हैं हम लोग के पास, 4 का स्क्वायर 16 एलसीएम, 16 माइनस रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ दीजिए होल स्क्वायर में, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 इंटू 1, क्लियर है, 16 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 बाई क्या हो गया 16, 16 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 बाई माइनस कॉमन कर लिए बाई 16, क्लियर है, 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 16, क्लियर है, 10 प्लस 2 रूट 5 इतना भी छोड़ सकते हैं हम लोग चाहेंगे तो, और अंदर में चाहेंगे 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस रूट 5 बाई 16 कट जाएगा 8 से, तो 5 प्लस रूट 5 बाई
8 लिख सकते हैं हम लोग, किसका वैल्यू कोस का 10 प्लस 2 रूट 5, ये भी सही है पूरी तरह से, 16 है ना, 16 को काट भी सकते हैं या इसको आप इतना ही छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 16 का, ये सबसे परफेक्ट आंसर है। तो साइन का 18, कोस का 18, कोस का 18 निकाल दिए, साइन का 18 निकाल दिए, कोस का 18 बोलिए चाहे साइन का 72 का वैल्यू कितना हो गया 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको साइन का 18, साइन का 54, 18 का टेबल वाला याद रहना चाहिए, निकाल दिए बुक में भी दिया हुआ है और कर लीजिएगा अपने से, ये सब वैल्यू फिक्स बुक में दिया हुआ है, 15D एक्सरसाइज से जस्ट पहले दिया हुआ है, ये याद रहना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, साइन का स्क्वायर 24 डिग्री, साइन का स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन का स्क्वायर 6 डिग्री, इसका हमें निकालना है। तो देखिए ये एक फार्मूला है आपका, साइन का ऐसा होता है साइन का स्क्वायर ए माइनस साइन का स्क्वायर बी, तो होता है साइन का ए प्लस बी इंटू साइन का ए माइनस बी, इसको डिस्कस नहीं किए हैं, आप चाहेंगे तो आराम से वेरीफाई कर सकते हैं, साइन का ए प्लस बी का लगाइए, साइन का ए माइनस बी, साइन का स्क्वायर ए माइनस बी, एक ही को फार्मूला इस तरह का, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, साइन का ए 24 प्लस 6 इंटू साइन का 24 माइनस 6, तो साइन का 30 और साइन का क्या हो गया 18, साइन का 30 कितना है 1/2 और साइन का 18 कितना है रूट 5 माइनस 1/4, तो रूट 5 माइनस 1/4 टू जो 8, समझ में आ गया कैसे आया आंसर, नोट कर लीजिए रूट 5 माइनस 1/8 इज द वैल्यू ऑफ RHS। 18 का 19 का 2 देखिए, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कोस का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर 30 डिग्री, ये कोई फार्मूला नहीं है, साइन का स्क्वायर कोस इसका वैल्यू जानते हैं हम लोग, इसका वैल्यू भी जानते हैं, वैल्यू पुट करना है, ये वाला हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, साइन का स्क्वायर ही मैंने साइन का स्क्वायर भी यूज कर लिया, इसमें डायरेक्ट पुट कीजिए, साइन का 72 डिग्री क्या होता है 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 का स्क्वायर और ये होता है रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर होल, इसका तोड़िए 10 का स्क्वायर 100, 2 रूट 5, 2 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2 रूट 5, 4 का स्क्वायर 16, 3 बाई 4 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 दुना 4 पचे 20, 120 प्लस 10 टू जे 20 टू जे 40 रूट 5 बाई 16 माइनस 3 बाई 4, 40 कॉमन कर लीजिए, 3 प्लस रूट 5 बाई 16 माइनस 3 बाई 4 काटिए, 4 10 जे 4 4 जे 3 प्लस रूट 5 माइनस 3 बाई 4, अंडरस्टूड, सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा आंसर, कोटी काट दिए एक 16 है 4 से काट दिए 4 4 जे 4 10 जे, अब हम लोग क्या करते हैं 4 LCM लेते हैं, तो क्या होगा 10 3 जे 30 प्लस 10 रूट 5 माइनस 3, टेन बाई फोर, टेन प्लस टू रूट फाइव, साइन का 72, टेन प्लस टू रूट फाइव बाई फोर होता है, टेन का स्क्वायर कर दिए 100, टू रूट फाइव का स्क्वायर कर दिए 4, 5 जो 20, 120 हो गया 2AB, 40 रूट क्या हो गया 5, रूट 3 का स्क्वायर 3 बाई 4, 120 में 40 कॉमन कर लिए हैं, तो 3 प्लस क्या बचेगा रूट 5 बाई 16 माइनस 3 बाई 4, 10 बाई 4 बच गया है, 4 10 जे 4 4 जे 16 काट दिए हैं, 4 LCM ले लिए, 10 3 जे 30, 10 रूट 5 माइनस 3, तो क्या बच गया हमारे पास 10 रूट 5 माइनस 10 रूट 5 प्लस क्या हो गया 27 बाई 4, अंडरस्टूड, नोट करिए। सॉरी फिर से एक बार देख गलती लिख दी थे, यहाँ रूट छूट गया था मेरा, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, रूट हटाई का स्क्वायर क्या 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4 का स्क्वायर 16, 3 बाई 4, 16 LCM, 10 प्लस 2 रूट 5,
फोर फोर जे चार तीय बारह, टू रूट फाइव माइनस टू बाई सिक्सटीन, टू कॉमन कर लीजिए, रूट फाइव माइनस वन बाई सिक्सटीन यानी रूट फाइव माइनस वन बाई एट, ऐसे निकाल। तो 18 का फार्मूला 1836, 18 का मल्टीपल का फार्मूला है, नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, 10 का 6, 10 का 42, 10 का 66, 10 का 72 डिग्री इक्वल टू 1। तो LHS क्या लिखेंगे, साइन का 6 बाई को, साइन कोस में ही बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, साइन का 66 तो कोस का 66, साइन का 72 तो कोस का, साइन कोस में चेंज कर दी सबसे पहले। कभी कभी सिर्फ ऊपर वाला दे देता है सॉल्व क्वेश्चन, कभी नीचे वाला दे देता है, ध्यान से देखिए, सिर्फ साइन का दे सकता है, सिर्फ कोस का दे सकता है, टेन का देगा तो दोनों ही बन जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग जोड़ा बनाएंगे, कैसा जोड़ा बनाएंगे, साइन का 72 के साथ, ठीक है, 72 के 78 के साथ साइन का 42 का बना रहे हैं और साइन का 66 के साथ साइन का 6 बना रहे हैं, अलग अलग कर दिए, एक साथ मिला मल्टीप्लाई आगे पीछे लिख दिया हम जानबूझ के, कोस का 78, कोस का 42, कोस का 66 और कोस का 6 डिग्री। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए 15C का फार्मूला यूज होगा, चार जगह ऊपर में दोनों साइन, कोस का फार्मूला, पहले क्या करिए, माइनस 78 में 42 गया 36 डिग्री, बाद में प्लस करिए 120, दोनों साइन है कोस में माइनस कोस में प्लस, कोस में प्लस करिए 120 सॉरी 66 और 6 72 प्लस, दोनों साइन है कोस में माइनस करिए, पहले माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 60 बचेगा, और माइनस कोस में प्लस करिए 66 और 6 72, दोनों कोस तो कोस का फार्मूला, कोस 78 और 42 कितना था 120, माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, कोस का 78 में 42 गया 36, कोस का 66 और 6 72 माइनस कोस का 60, ये प्लस है, दोनों कोस कोस का फॉर्मूला प्लस में, दोनों कोस कोस का अब हम लोग को वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है यहाँ पे, हम लोग क्लियर है, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ये a माइनस बी है, अलग अलग फॉर्म में है, सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आराम से वैल्यू पुट करते हैं, चार जगह गलती नहीं करना है। अभी हम लोग कोस का 36, कोस का 36 कितना होता है, कोस का 36 निकालिए, रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, कोस का 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस होता है 180 हटाइए 60 के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, 1 बाई टू माइनस क्यों हुआ क्वाड्रेंट में, ये माइनस इसके चलते हैं, कोस का 60 1 बाई टू और साइन सॉरी कोस का 72 रूट फाइव माइनस वन बाई क्या होता है 4, समझ गया, कोस का 72 भी लिख दिए, कोस का 120 माइनस 1 बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस होगा 180 60 के बराबर, कोस का 36 का वैल्यू लिखिए, कोस का 36 का वैल्यू होता है रूट फाइव प्लस 1 बाई फोर, रूट फाइव प्लस 1 बाई फोर, कोस का 72, कोस का 72 होता है रूट फाइव माइनस 1 बाई फोर और कोस का 60 होता है 1 बाई टू, सबका वैल्यू पुट कर, कोस का 36, कोस का 72, कोस का 60 पुट कर दिए, कोस का 120 माइनस 1 होता है। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अंडरस्टूड, ऊपर का अलग करेंगे नीचे का अलग करेंगे, पहले 2 एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम ले लिए, रूट फाइव प्लस 1, रूट फाइव प्लस 1 प्लस हो गया 2 जब 4 तो ये क्या हो गया प्लस 2, एलसीएम ले लिए 4 2 है 2 जाए 4, इसी प्रकार यहां पे भी 4 एलसीएम हो जाएगा,
फोर बचेगा यहाँ पे, टू बचेगा माइनस रूट फाइव माइनस वन, नीचे में भी आइए, फिर फोर एलसीएम लीजिए, माइनस टू हो जाएगा रूट फाइव प्लस वन, फिर फोर एलसीएम लीजिए रूट फाइव माइनस वन प्लस टू, फोर फोर पूरा कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा थ्री प्लस रूट फाइव, टू और वन थ्री, नीचे बचेगा टू प्लस वन थ्री हो गया, थ्री माइनस रूट फाइव, नीचे बचेगा ये फोर कट चुका है, रूट फाइव में रूट फाइव टू में वन गया वन, रूट फाइव टू में माइनस वन गया प्लस वन, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया नाइन माइनस फाइव बाई फाइव माइनस वन, फोर बाई फोर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, दोबारा बनाइएगा, दो बार देखिएगा पक्का समझ में आ जाएगा, कोस का सिक्स, कोस का 60 जानते हैं, कोस का 120 जानते हैं, कोस का 36 भी यूज हुआ है ना, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन एकदम अच्छा से आपको दो दो वीडियो में पूरा समझा दिए, फार्मूला याद होना चाहिए, ए साइन टू थीटा प्लस बी कोस टू थीटा का वैल्यू निकालना है, और टेन थीटा का वैल्यू ए बाई बी, टेन थीटा ए बाई बी दिया और इसका वैल्यू निकालना है जैसे, तो साइन टू थीटा और कोस टू थीटा, साइन टू थीटा और कोस टू थीटा का वैल्यू टेन के रूप में भी होता है, पहली बार यूज कर रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं फार्मूला, टू टेन थीटा बाई वन प्लस क्या था टेन स्क्वायर थीटा, और बी कोस टू थीटा का होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई टेन स्क्वायर थीटा, नीचे में एलसीएम ले लीजिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा टू ए टेन थीटा प्लस बी माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड, कुछ नहीं किए हैं, साइन का वैल्यू टेन के रूप में, कोस का वैल्यू टेन के रूप में लिख दिए, अब हम लोग वैल्यू पुट करिए, टू ए टेन थीटा का वैल्यू क्या है ए बाई बी प्लस बी माइनस बी ए बाई बी, समझ रहा कि नहीं, ए बाई बी वैल्यू पुट कर दिए, अब बोलिए वन प्लस ए बाई बी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं किया, वन प्लस टेन स्क्वायर एलसीएम ले लिए, यहाँ पे टू ए प्लस टेन थीटा और बी इंटू बी टेन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा देखिए यहाँ पे टू ए स्क्वायर बाई बी बच गया, बी भी कट गया, प्लस बी बच गया, माइनस ए बच गया, नीचे में बी स्क्वायर एलसीएम ले लिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया, ऊपर में बी एलसीएम लीजिए, इसमें बी एलसीएम लीजिए, क्या बचेगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे में भी बी स्क्वायर एलसीएम लिए थे तो क्या था बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, अब हम लोग क्या बस क्या बच गया टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है, गलती हो रहा है, टू ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी इंटू वन बी माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू क्या है सर यहां पे ए का स्क्वायर था, क्लियर है, तो हम लोग एलसीएम यहां पे बच गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सुधार लेते हैं गलती हो गया, स्क्वायर था ना स्क्वायर नहीं किया था यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं बी स्क्वायर एलसीएम ले लिए ऊपर में, बोलिए क्या बचेगा टू ए स्क्वायर बाई बी बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा माइनस ए स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर एलसीएम लिए हैं एक मिनट, ए बच गया और यहां पे a बाई बी का स्क्वायर बच गया और यहां पे क्या है b, फिर से देखिए 2a टेन थीटा का वैल्यू क्या है a बाई बी प्लस बी माइनस बी टेन का वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन का वैल्यू क्या निकाले हम लोग a बाई बी का स्क्वायर बाई वन प्लस a बाई बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी प्लस बी
ए को बी कट जाएगा माइनस ए स्क्वायर बचेगा बाई बी, क्लियर है। बाई क्या हो गया वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आ जाएगा आंसर, नीचे में क्या कॉमन कर लिए, क्या एलसीएम ले लिए, बी एलसीएम ले लिए, तो क्या बच गया हम लोग पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे में बी स्क्वायर एलसीएम है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है। ए को बी कट जाएगा जो ऊपर जाएगा, ऊपर में क्या करें हम लोग 2a स्क्वायर में a स्क्वायर बच गया प्लस बी स्क्वायर बच गया, नीचे में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया और b ऊपर चल गया, क्लियर है। कट जाएगा ये वाला और b आंसर आ गया, तो इससे बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा वीडियो बना है, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया 15C 15D, एक वीडियो लगेगा 15E खत्म करने वाले, बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए, 15A से लेके 15D से जितना भी फॉर्मूला मिला है आप सबको एक जगह लिखिए, आप 20 times लिखिए जरूर, तब आपको जाके फायदा होने वाला है, सॉल्व क्वेश्चन बनाइए जरूर बनेगा, नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।